आज हम लोग कोरोना पे बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों है कोरोना इतना डेंजरस, क्यों सोशल डिस्टेंसिंग इम्पॉर्टेंट है कोरोना डिजीज में, और ये जो कोरोना है ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सोशल इशू है। इसमें हम सभी का जिम्मेदारी है कि इसके स्प्रेड को हम रोके। क्यों है कोरोना इतना डेंजरस, ये मैं आपको ये जो कोरोना है उसी को डिकोड करके बता रहा हूँ। कोरोना का देखिए स्पेलिंग है CORONA। क्यों कोरोना इतना डेंजरस है, इस निमोनिक से आप इस बात को समझिए। सी से होता है कैन स्प्रेड रैपिडली, यानी कि ये डिजीज बहुत तेजी से फैल सकता है। ओ से है ऑक्सीजन इज नेसेसरी आफ्टर इन्फेक्शन, यदि आपको इन्फेक्शन हो जाता है कोरोना का तो बिना ऑक्सीजन का मरीज नहीं रह सकता है, यानी कि वेंटिलेटर इसके लिए नेसेसरी है, बिना वेंटिलेटर का मरीज सर्वाइव नहीं कर सकता है। आर एन ए यानी कि ये जो कोरोना है वो आरएनए वायरस है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और ए एयर कैन काउज डिजीज सो नीड आइसोलेशन, एयर भी इस डिजीज को स्प्रेड कर सकता है, इसलिए इसमें आइसोलेशन क्या होता है बहुत जरूरी होता है। आप समझ गए होंगे कि कोरोना क्यों इतना डेंजरस है। हम लोग का सामाजिक जिम्मेदारी है कि यदि आप कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, बस आपकी सामाजिक जिम्मेदारी केवल इतना है कि आप अपना टेस्ट करवाएं और जो आइसोलेशन है उसको मेंटेन करें। अभी हम लोग कोरोना को जनरल फ्लू से भी देखेंगे कि कैसे जनरल फ्लू और कोरोना में क्या डिफरेंस है। जो जनरल फ्लू है उसमें जो साइन और सिम्टम्स होते हैं और जो कोरोना का साइन एंड सिम्टम्स होता है उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स दोनों कंडीशन में हो सकता है, लेकिन जो कोरोना है उसमें ड्राई कफ होगा, यानी कि कफ प्रोडक्टिव नहीं होगा, यानी कि बलगम नहीं बनेगा। गले का इन्फेक्शन जनरल फ्लू और कोरोना में भी हो सकता है, लेकिन जनरल फ्लू में जो होगा वो रनिंग नोज होगा, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होगा, फीवर यदि आता है तो फीवर एक दो दिन बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन कोरोना में ड्राई कफ होगा, थ्रोट का गले का इन्फेक्शन होगा, जो डाइजेशन है उस वो इम्प्रॉपर होगा, यानी कि नौजिया वॉमिटिंग हो सकता है या डायरिया भी हो सकता है, ये जनरल फ्लू में नहीं होता है। कोरोना में जनरल फ्लू में आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन कोरोना में सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, यानी कि कोरोना का जो इनक्यूबेशन पीरियड है 2 to 14 days, उसके बीच ये सिम्टम्स आ सकता है या उसके बाद भी 14 दिन के बाद भी ये सिम्टम्स आ सकता है। तो कोरोना और जनरल फ्लू में आप रनिंग नोज, स्नीजिंग, माइल्ड फीवर डिसअपीयर इन 2 to 3 days, ये जनरल फ्लू में होगा। कोरोना में ड्राई कफ होगा, थ्रोट का इन्फेक्शन होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, और एक बहुत जनरल बात सिम्टम्स है फीवर, परसिस्टेंट फीवर होगा। इसमें फीवर आपका ठीक नहीं होगा, फीवर यानी कि उतरता नहीं है, फीवर परसिस्टेंट रहता है। और देखिए तो फिर जो कोरोना को हम समराइज कर रहे हैं तो कोरोना का जो सिम्टम्स है वो भी देखिए इस कोरोना में ही है। CORONA, सी से कफ, यानी कि कफ क्या होगा ड्राई होगा। ओ से ऑप्थेल्मिक कंजेशन, यानी कि कंजंक्टाइवल कंजेशन भी होता है कोरोना डिजीज में, यानी कि आपकी आंख में भी कंजेशन होगा, कंजंक्टाइवल कंजेशन यानी कि ऑप्थेल्मिक कंजेशन। CORR से होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर ओ का वही मतलब है ऑप्थेल्मिक कंजेशन। एन फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड ए फॉर एक्स, यानी कि इसमें बॉडी शरीर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा। एक्स का मतलब होता है पेन, दर्द, हेडेक, सर में दर्द होगा, बॉडी एक बॉडी में दर्द होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है जो आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि इसमें परसिस्टेंट फीवर होता है। कुछ ऐसे सिम्टम्स जो सब मरीजों में नहीं आ सकता है वो है डायरिया, डायरिया भी हो सकता है इस बीमारी में।
और एक बार ये इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वेंटिलेटर। यदि ये इन्फेक्शन आपको लेट से पता चलता है या आपने इस बीमारी को छुपाया तो आप ऐसे स्टेज में आ जाएंगे कि उस स्टेज में आप बिना वेंटिलेटर का सांस नहीं ले सकते हैं, और जब आप बिना वेंटिलेटर का सांस नहीं ले पाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कोरोना में सबसे पहली बात है जो आइसोलेशन है उसको मेंटेन करना, और हम सभी का ये सामाजिक दायित्व है कि हम इसको स्प्रेड होने से रोकें, इसको स्प्रेड होने से बचाएं। देखिए ये जो आइसोलेशन है, जो क्वारंटाइन है, जो शटडाउन है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये हमारा सामाजिक इशू है। ये बीमारी कोई राजनीतिक नहीं होता है, ये जो पैंडेमिक डिजीज हुआ है ये एक सामाजिक समस्या है, इसको हम सबको सहयोग करके स्प्रेड करने से बचाना है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने घर में रहें, आइसोलेट रहें, जब भी बाहर से आए तो अपने हाथ को या जो शरीर का भी पार्ट एक्सपोज्ड हुआ है उसको सैनिटाइज करें। जो सैनिटाइजेशन का मेथड है उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।